Our today's topic is camouflage, which is lesson number 34 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है, so वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी. Okay, so let's start. Okay, so this is your chapter number 34. ठीक है, कैमोफ्लाज. क्या नेम है इसका? कैमोफ्लाज. अब कैमोफ्लाज का अगर मैं हिंदी में मीनिंग बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा ही हिंदी हो जाएगा, मतलब वो आपको समझ नहीं आएगा. फिर भी एक बार सुन लो. इसका मीनिंग होता है क्या? छलावरण. छलावरण मीन्स छल. छल मीन्स क्या करना? धोखा देने लायक. छल करना है ना, धोखा देना, चीट करना, इस टाइप का मीनिंग. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कैमोफ्लाज का मीनिंग ये होता है, छलावरण होता है, लाइक चीट करना, किसी को एकदम से धोखा दे देना, इस टाइप का है ना. तो हम इस चैप्टर में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर का नेम ये है? ठीक है, तो बेटा आप इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हो, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, वीडियो को पूरा पूरा देखना. ठीक है, स्किप नहीं करना. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और जो मैं समझाऊँ ना उसको समझने की पूरी कोशिश करना कि इस चैप्टर का नेम ये क्यों है और ये ऐसे कौन से. और आपको यहाँ पे तो पिक्चर तो एनिमल्स की ही दिख रही होगी, तो आप बोलोगे यार मैम नेम भी ऐसा है और पिक्चर्स भी एनिमल्स की है, तो ऐसा क्या स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं? तो आप बोलोगे कि मैम एनिमल्स की तो पिक्चर है, हम तो नेम लिख देंगे बस और क्या. बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जो एक ट्विस्ट है वो क्या है? तो जो एक ट्विस्ट आने वाला है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो फटाफट से आ जाती हूँ आपके चैप्टर में. ओके, ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ. ओके, सो स्टार्ट करती हूँ. सी कैमोफ्लाज. ओके, सम एनिमल्स अमेजिंगली कंसील देमसेल्फ बाय ब्लेंडिंग विद देयर सराउंडिंग. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज एंड हेल्प देम टू कैच प्रे. हैव अ लुक एट दिस एस्टोनाइजिंग क्रिएचर्स. ओके, तो इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स इतने अमेजिंगली खुद को कंसील कर लेते हैं अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास के अकॉर्डिंग, कि वो एकदम अपना खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, मतलब वो एकदम वैसे ही दिखने लगते हैं. ठीक है, और उनको कोई, अगर उनको जैसे कि एनिमल्स का दुश्मन कौन होगा, या तो कोई उनका शिकार करने आएगा, या तो कोई ऐसा एनिमल होगा जो दूसरे एनिमल को खाने आएगा. ठीक है, तो वो अपने आप को इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, बचा लेते हैं. उनके पास एक ये फीचर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इतने तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं. लाइक देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मैं गिरगिट का देती हूँ आपको. ठीक है, गिरगिट क्या होता है, कहते हैं ना रंग बदलता है अपना, है ना. बट गिरगिट तो रंग बदलता है, ठीक है, बट ये एनिमल्स अपने रंग नहीं बदलते हैं, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ पे इतना सेट हो जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो एक चीज़ है कि वो एक एनिमल है. समझ रहे हो ना, जैसे गिरगिट क्या है, जिस चीज़ में बैठ जाता है हम कहते हैं उसी कलर का हो जाता है ना. वो जिस चीज़ में बैठ गया उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि वो वैसा ही लगेगा, उसके ऊपर बैठ गया तो वो उसी के लगभग उस कलर का वो हो जाता है. ठीक है, वैसे ही क्या होते हैं, जिन एनिमल्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, तो वो तो नहीं है, गिरगिट तो नहीं है कि अपना रंग बदल लेंगे, बट बेटा जहाँ वो रहते हैं, जो उनका मेन जगह होता है जहाँ वो रहते हैं, तो वो उनका जो बॉडी होती है ना, उन एनिमल की बॉडी ही ऐसी होती है जो उनको खुद ही प्रोटेक्ट कर लेती है, उनको छुपा लेती है. ठीक है, अगर कोई शिकारी उनका शिकार करने आ रहा है या कोई एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाने आ रहा है, कुछ भी करने आ रहा, तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा यार ये तो एक चीज़ ही है जो उसके ऊपर बैठा, उसको दिखेगा ही नहीं कि उसके ऊपर क्या बैठा है, वो उसको एक चीज़ ही दिखाई देगी वो, कि ये तो एक चीज़ रखी हुई है, ये कोई एनिमल है ही नहीं. ठीक है, चलो तो स्टार्ट विथ फर्स्ट, आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, अब जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा एग्जांपल के साथ. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, ये हमने फर्स्ट इमेज देखा, ये मैंने थोड़ा सा जूम किया. ठीक है, ये क्या है, आउल. ये फर्स्ट इमेज में आंसर में आपको क्या दिख रहा है, आउल. ठीक है, आउल मींस उल्लू. ठीक है, ये कब आता है, मोस्टली ये दिन में हमें नहीं दिखाई देते, बहुत कम, रात में.
ठीक है, नाइट में, और इनको देख पाना इतना मुश्किल होता है कि ये समझ ही नहीं आते हैं कि ये, हाँ ये वही है या पेड़ की ही कोई डाली है, या जिस पे ये बैठा हुआ है तो उसकी ये कोई क्या बोलना चाहिए, उसी की कोई डाली है या फिर उसी पेड़ का कोई पार्ट है ना। ये अपने आप को उसमें इस कदर छुपा लेता है कि हम पहचान ही नहीं पाते। और आउल को देखना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है कि आउल को देख पाते हैं। पहली बात तो ये रात में निकलता है, ठीक है, दूसरी बात है उससे इतना छुपा हुआ बैठा रहता है ना कि इसको, और जहाँ वो बैठा होता है ना तो वो बिल्कुल उसी जगह जैसा दिखता है, तो पता भी नहीं लगा सकते कि भाई ये वो है। तो इन जो एनिमल्स हैं जो अपने आप को जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, उनके पास एक अमेजिंगली कंसील, मतलब खुद को कंसील कर लेते हैं, है ना, अपना खुद अपने आप को ब्लेंड सम, या जो आपका चैप्टर का नेम था क्या था, सम एनिमल्स अमेजिंगली कंसील देमसेल्व बाय ब्लेंडिंग विद देयर सराउंडिंग, है ना, अपने आस पास के अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो उनमें से फर्स्ट क्या हो गया, आउल। तो फर्स्ट इमेज जो आपको दिख रही है वो क्या है, आउल है, ठीक है। सेकेंड में आ जाते हैं, सेकेंड, ठीक है, ओके ओके। नाउ नंबर सेकेंड इज, ठीक है, आपको ये इमेज देखो, आप ये इमेज देख के आप बता ही नहीं पाओगे कि ये एक कोई क्या बोलना चाहिए, कोई एक एनिमल है कि ये सिर्फ एक लीफ है, सूखी पत्ती जैसी। क्या आप इसको समझ पा रहे हो, ये आपको देखने में एकदम सूखी पत्ती लग रही है, बट बेटा ये सूखी पत्ती नहीं है, ये क्या है, लीफ टेल्ड गेको। क्या है ये, लीफ टेल्ड गेको, ये एक तरीके की छिपकली होती है, ठीक है, ये एक तरीके की छिपकली होती है जिसका नेम है लीफ टेल्ड गेको। अगर ये ऐसे बैठी रहेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सूखी पत्ती है, कि ये क्या है, ये एक सूखी पत्ती है कि सच में एक एनिमल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना, यही जो कम्फर्ट फ्लाग्स होते हैं ना, कैमल फ्लाग्स जो होते हैं वो यही होते हैं, मतलब अपने आप को ऐसा, ये होते तो एनिमल्स हैं बट लगेंगे नहीं कि हाँ ये एनिमल हैं। अगर ये खुद को ऐसा, अगर इनको लग रहा है कि इनका कोई एनिमी इनको खाने वगैरह आ रहा है, तो अपने आप को ईजिली छिपा सकते हैं ये, ठीक है। तो उनमें से एक क्या है, ये जो सेकेंड इमेज है वो है लीफ टेल्ड गेको, ओके। नाओ थर्ड वन, थर्ड, ओके, थर्ड इमेज आप देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो कि ये ग्रास है या कोई कीड़ा है, क्या है ये, ठीक है ना। इसका नेम क्या है बेटा, ग्रासहॉपर, इसका नेम है ग्रासहॉपर। अब इसका नेम भी इसलिए ऐसा है क्योंकि एकदम ग्रास जैसे दिखता है, अगर ये घास के ऊपर बैठ जाएगा तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि ये कोई कीड़ा है कि ग्रास है, ठीक है ना। तो अगर इसको कोई एनिमल खाने के लिए आएगा और ये हरी हरी जगह जगह पे जाके बैठ जाएगा तो उसको फिर खा ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई एनिमल है कि ग्रास है, समझ रहे हो ना। तो इसके पास भी टैलेंट होता है अपने आप को छुपा लेने का, है ना। कौन है ये, ग्रासहॉपर है, ये ग्रास में ही रहते हैं, और अगर लगता है कि इनको कोई खाने वाने आ रहा है तो उनको कोई खा भी नहीं सकता क्योंकि अपने आप को छुपा लेंगे, ग्रास जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो थर्ड आंसर ग्रासहॉपर, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको नंबर फोर में क्या दिख रहा है, ये फोर सिंपल लॉयन, ये लॉयन है, लॉयन का जो आपने देखा होगा कलर इसका ब्राउन सा होता है, ठीक है, और है ना, लॉयन को हिंदी में शेर बोलते हैं, इसका कलर भी ऐसा होता है। अगर ये ऐसे ब्राउन ब्राउन, अगर यहाँ पे कहीं घास है, अगर वहाँ पे अपने आप को छिपा लेगा तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता, कोई नहीं फाइंड कर पाएगा कि वहाँ पे लॉयन बैठा है, दिखेगा ही नहीं क्योंकि देखो ब्राउन ब्राउन सा एक खुद होता है और ऐसी जगह पे छिपा बैठा है, यहाँ पे उसको कोई देख भी नहीं पाएगा। तो फोर्थ इज लॉयन, ओके। नाउ नंबर फाइव, फाइव देखो, ये है नंबर फाइव, ठीक है। अब आप क्या है, क्या बोल पाओगे कि ये क्या है, ये बेटा ये बटरफ्लाई है, ठीक है, ये भी एक तरीके की बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई आपने देखा होगा बहुत कलरफुल होती है, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी सुंदर सुंदर होती है, बड़े प्यारे प्यारे कलर होते हैं, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन पिंक येलो, हर कलर में आपको बटरफ्लाई मिल जाएंगी, ठीक है। बट एक ये बटरफ्लाई ऐसी होती है जो एकदम पेड़ के तने के जैसे दिखती है, अगर किसी पेड़ पर ये बैठ जाएगी तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे कि ये बटरफ्लाई है कि किसी पेड़ का तना है। यहाँ पे देख सकते हो आप इमेज नंबर फाइव में, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, तब तक जूम करके नहीं देखोगे ना आपकी, हाँ हाँ भाई ये बटरफ्लाई देखो इतनी जगह पे बैठी हुई है, जैसे यहाँ पे कीड़ा ही इतनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो ना कि जब जूम करके देखेंगे, बहुत दिमाग से देखेंगे ना, तभी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी बटरफ्लाई है जो पेड़ के तने पे बैठ जाएगी तो फाइंड भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये बटरफ्लाई है कि पेड़ का तना है, ठीक है। तो आंसर नंबर फाइव इज़ बटरफ्लाई, ओके। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं,
नाउ नेक्स्ट इज ये बेटा, ये सेम ही चैप्टर हमारा चल रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा वही चैप्टर है, उसी का सेकेंड पेज है। तो क्या है, इसमें इनको बहुत अट्रैक्टिव चैप्टर दिखाना था, बहुत सुंदर सा दिखाना था, तो इनने बड़ा प्यारा प्यारा बहुत काफ़ी जगह लिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये हम वही पढ़ रहे हैं ना, ये आइडेंटिफाई द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ये यहाँ पर हमें क्लूज दिए हुए हैं, यही से हम फाइंड कर करके लिख रहे हैं, ये हमारे क्लूज यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप जब अपनी बुक देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, वैसे जिनके पास बुक नहीं है तो भी कोई नहीं, आपको इसमें भी क्लियर ही होगा, है ना। इसमें से हम क्या पढ़ चुके, अभी हमने इसमें से लीफ टेल्ड गेको पढ़ लिया, आउल पढ़ लिया, लॉयन पढ़ लिया, बटरफ्लाई पढ़ लिया, ग्रास ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। अब जो उसके बाद की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। नो कन्फ्यूज़न ना, कन्फ्यूज़ होने का है ही नहीं, ठीक है। चलो अब मैंने जूम किया, ये नंबर 6 है, नंबर 6। अब बेटा आप ये देखो, ये एक तरीके का इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है। जब आप इसको देखोगे, देखो यहाँ पर, ये एक तरीके का क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है ना। मैंने इसको जूम कर रही हूँ, आप बोलोगे मैम ये तो एकदम लीव जैसे दिखता है, इसको मैं कैसे बताऊँ कि ये इंसेक्ट है ना। ये तो एकदम लीव जैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि कोई लीफ ही होगी ये, है ना, दिख रहा है, बट ये इंसेक्ट है। इसका नेम ही क्या है, लीव इंसेक्ट। एकदम पत्ती जैसे दिखता है ना, एकदम लीव जैसे दिखेगा, आप खुद अपने सामने देख सकते हो, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि ये किसी पत्ती पे बैठा हुआ कोई इंसेक्ट है कि क्या है। एकदम लीफ लग रही ना आपको, बट ये देखो इंसेक्ट है ये, ठीक है ना, ये लीफ इंसेक्ट है। इसका नेम ही लीफ इंसेक्ट है, जो एकदम एकदम पत्ती जैसे दिखता है और फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि वो है कि नहीं, मतलब कंफ्यूज़ कर देगा हमें, है ना। ये सब क्या है, कन्फ्यूज़ करने वाले एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये लेपर्ड, है ना, नंबर 7। ये नंबर 7 कौन है, ये लेपर्ड है। और देख लो भाई, ये भी ब्राउन और इस टाइप का कलर का होता है। अगर ये कहीं सूखी सूखी घास के बीच में अगर कहीं जाके बैठ जाएगा भाई जंगल में, तो हमें नहीं दिखने वाला। और ऐसा कोई एनिमल जिसको ये खा सकता है तो उसको भी नहीं दिखने वाला, और ये फटाक से जाके उसको खा लेगा, है ना, क्योंकि वो उसको देखेगा ही नहीं कि वहाँ वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अगर सूखी सूखी घासों के बीच में बैठ जाएगा ना जाके, तो दिखने नहीं वाला। तो कौन है ये, लेपर्ड है, ठीक है ना। ओके, सो आंसर नंबर 7 इज लेपर्ड। ओके नाउ नंबर 8, नंबर 8 देखिए, ये वाली इमेज, बाप रे, इसका नेम क्या है, स्टिक इंसेक्ट। एकदम लग रहा ना स्टिक जैसे, आप बोली नहीं, आपको एक लकड़ी टाइप का दिख रहा ना, अगर आप ऐसे नॉर्मल देखोगे इसको तो ये लगेगा कि यार ये लकड़ी का ही कुछ पार्ट है, बट ये इंसेक्ट है, इसको स्टिक इंसेक्ट कहते हैं, है ना। अगर ये किसी लकड़ी के ऊपर बैठ जाएगा, जैसे इस स्टिक पे ये बैठा हुआ है, फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये स्टिक में बैठा हुआ है, अब बताओ क्या फाइंड कर पाओगे कि स्टिक है कि क्या है। ये खुद ही एकदम स्टिक जैसे लग रहा है, इसलिए इसका नेम भी क्या है, स्टिक इंसेक्ट, इंसेक्ट है ना, स्टिक इंसेक्ट। ओके समझ आया ना। ओके नाउ 8 आंसर क्या है आपका, स्टिक इंसेक्ट, ठीक है ना। चलो नाउ नंबर 9, ये है नंबर 9, मैंने इसको जूम कर दिया। ये देखो, ये है डियर, है ना, हिरन। तो ये भी जंगलों में सब ब्राउन ब्राउन से कलर का होता है, ठीक है। अगर ये भी ऐसी ब्राउन ब्राउन सी जगह है जहाँ पे इस टाइप का एरिया है, अगर वहाँ पे होगा तो हमें दिखाई नहीं देने वाला, है ना, लगेगा अगर यार वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज करने वाला एनिमल है, ठीक है ना। सो नंबर 8 इज़ डियर। नाउ लास्ट इज़ दिस वन, सॉरी नंबर 9 पढ़ा अभी हमने, नाउ दिस इज़ 10th। और ये मैंने किया जूम, जूम ही है वैसे, चलो नंबर 10th। ये क्या है बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये है आर्कटिक फॉक्स, है ना। आर्कटिक मतलब आर्कटिक, है ना, एक तो वहाँ पर कहाँ, ये वहीं पर शायद पाया जाता होगा, इसलिए इसका नेम है आर्कटिक फॉक्स, है ना। अब देखो ये, अगर ये भी, ये देखो कैसा दिखता है ना, कैसा दिखता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे बर्फीली जगह पे है बहुत, तो ये रहता भी वहीं उसी टाइप की जगह पर है, बर्फीली टाइप की जगह होती है। और अगर वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे बैठ जाएगा, छिप जाएगा, तो कोई फाइंड ही नहीं कर पाएगा कि ये फॉक्स है वहाँ पे, है ना, कि फॉक्स बैठा बैठी हुई है, बैठा हुआ है, तो कोई फाइंड भी नहीं कर पाएगा। तो नंबर 10 क्या है आपका, आर्कटिक फॉक्स, है ना। ये भी अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इसके आसपास का रहता है वहाँ पे छुपा लेता है, दिखेगा ही नहीं, है ना। और बेटा क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना जिनके बारे में हमने अभी आज पढ़ा, ये सारे, ये रहते भी उन्हीं जगहों पे हैं जहाँ पे इनको कोई ढूंढ ही नहीं सकता। अगर लीफ इंसेक्ट है तो वहीं पे लीफ पे ही बैठा रहेगा, स्टिक इंसेक्ट है
इंसेक्ट पे ही बैठा रहेगा, है ना। जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये लीफ इंसेक्ट है, लीफ पे ही बैठा रहता है, ये स्टेक इंसेक्ट है वहीं बैठा रहता है। अगर ये आर्कटिक फॉक्स है तो ये उसी जगह पे होता है जो इसके जैसे ही होती है, ठीक है। अगर आउल है तो आउल भी एक ऐसी जगह पे बैठा होगा एकदम साइड में कहीं, जो उसी के जैसे दिखेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर लीफ टेल्ड वो है गैको, लीफ टेल्ड गैको है तो वो भी उसी जगह पे रहेगा, एकदम सूखी पत्ती टाइप लगेगा, तो सूखी पत्ती में ही बैठा रहेगा वो, समझ रहे हो ना। तो ये लोग ऐसे जैसे खुद वो होते हैं ना, तो उसी जगह को प्रेफर करते हैं जो इनके जैसी होती है ना, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करती है और इनके इनके हिसाब से बहुत अच्छी होती है ना, इनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जहाँ पे वो यहाँ पे ये लोग सेफ़ फील करते हैं कि इनका कोई दुश्मन इनको मार नहीं सकता, कोई दूसरा एनिमल आके इनको खा नहीं सकता, ठीक है ना। सो आई रियली होप बेटा ये चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला था, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, सो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और प्लीज़ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, तभी आपको समझ आने वाला है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ओके सो नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।